थे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा कंप्लीट हो गया था, प्रॉब्लम्स किया उसके ऊपर आप लोगों ने। बुक दिखाओ बच्चे, बुक लेके आओ। कोई किसी को कोई डाउट है, कुछ भी नहीं, जल्दी लाओ। दो दो ना, बुक दो ना। ग्रेविटेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या चल रहा था, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया था। ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर टेन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक, क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r इज सराउंडेड बाय सिमेट्रिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 2r एंड मास m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ। ठीक है बच्चे, पेज नंबर 458, एक चेक पॉइंट 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है ना, एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, इसका टोटल मास कितना है, स्मॉल m। इसको हमने क्या किया है, सिमेट्रिकली एक थिन यूनिफॉर्म सेल से ये कर दिया है, एक ऐसा इसको बाहर से एक सेल से ढका हुआ है, उसका मास कितना है, उसका भी मास m है, बट इसका रेडियस क्या है, 2r है। ठीक, अब बोलता है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 r फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से 1.5 r, तो कहाँ पे पहुँचूंगा बताओ, किधर रहूँगा मैं, दोनों के बीच में, ये r है, ये 2r है, 1.5 r इसके बीच में कहीं आएगा, है ना, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ है ना, कितना, 1.5 r। अच्छे से समझा, तो तुम खुद बताओ बच्चे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं ना, क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर के लिए ये कौन सा पॉइंट हुआ, आउटर की, इनर की, सरफेस, आउटर हुआ। आउटर पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने बताओ, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, आउटर के लिए सिंपल, ई बराबर क्या हो जाएगा, जी, इसका मास कितना है बेटा, एम, और ये आउटर के लिए आर, यानी आर कितना है यहाँ पर, 1.5 r का स्क्वायर, समझ गए। और ये जो बाहर वाला पॉइंट है उसके लिए फील्ड कितना होगा, ये सेल, ये कौन सा हुआ, सेल हुआ ना, सेल के लिए ये अंदर वाला पॉइंट हुआ कि बाहर वाला कि सरफेस वाला, सेल के अंदर में कितना होता था, जीरो। ठीक है, तो एक हुआ इतना और दूसरा हुआ जीरो, तो क्या हुआ टोटल बेटा, टोटल क्या हुआ बताओ, सिर्फ यही बचा ना, जी एम अपॉन 1.5 r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 3/2 लिख सकता हूँ, तो 9 r स्क्वायर बाय 4, तो 4gm by 9r square, ठीक है, 4gm by 9r square, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, इसको 3/2 लिखो ना, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझा, तो ये गलत हुआ कि सही हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 r फ्रॉम सेंटर। अब सेंटर से कितना ले रहे हैं, 2.5 r, किधर आएगा बताओ, तो बाहर यहां कहीं मान लो आया, ठीक है, 2.5 r, अब क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या है ये, बाहर वाला, इसके लिए भी क्या है ये, बाहर वाला। अच्छा बताओ, तो जो ये सॉलिड वाला है वो भी क्या है, सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है ना, बाहर वाला जो है वो भी सिमेट्रिकल है और यूनिफॉर्म है, ये पॉइंट दोनों के लिए आउटसाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस मान सकते हैं, इसका भी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस मान सकते हैं,
तो टोटल मास क्या हो गया यहाँ पे 2m, है ना। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट मास बोलेंगे। पॉइंट मास के कारण फील्ड क्या होता है बच्चे, जी मास उसका कितना हो गया 2m, और दूरी क्या हो गया 2.5, को क्या लिख सकता हूँ 5/2 लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2gm/25r² / 4। 4 कहाँ चला जाएगा बेटा, बाहर, 4 2 8, gm/25r². ये करेक्ट आया क्या, 8gm/25r², तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 r फ्रॉम द सेंटर इज जीरो, है ना। ये वाला पहले ही देख चुके हैं, वहां पे जीरो नहीं आया था बल्कि क्या आया है, इतना आया है, तो ये भी गलत हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन द स्फेयर एंड द स्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्म, यहाँ से यहाँ के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नहीं यूनिफॉर्म नहीं होगा, जैसे जैसे ये बदलेगा, है ना, ये बदलता चला जाएगा तो अलग अलग होगा, यूनिफॉर्म कैसे होगा, नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट आया बेटा, ओनली दिस वन विच इज ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझा, अच्छे से समझा, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। एग्जाम्पल 10.34 कहाँ गया भाई, हाँ एग्जाम्पल 10.34 क्या बोलता है, सबने पढ़ लिया बच्चे, पेज नंबर 454 पर एग्जाम्पल 10.34। मास ऑफ 20 kg इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस 2 m, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√3 m फ्रॉम द सेंटर। ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन हो गया बेटा, तो सीधा फॉर्मूला है, हमने कल ही फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूले में पुट करना है। अच्छा देख लेते कुछ एग्जाम्पल नंबर 10.34 क्या कह रहा है कि एक रिंग है ना बच्चे, रिंग का मास कितना है 25 kg, है ना, सॉरी 20 kg, 20 kg, और रेडियस इसका कितना है कैपिटल आर बराबर 2 m, और ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पर क्या करना है, फील्ड निकालना है, वो एक्सिस कितना दूरी है बेटा 2√3 m, ये कितना है 2√3 m फ्रॉम दी सेंटर, तो ये क्या हो गया बेटा एक्स हो गया है। क्या फॉर्मूला था बताओ फील्ड का, ई बराबर जी एम एक्स अपॉन r² + x² का पावर 3/2, कैपिटल जी कैपिटल एम एक्स 2√3 / r² 4, और एक्स कितना बेटा 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 का क्या बेटा 3/2, आ रही बात समझ में। तो क्या हो गया कैपिटल जी 22 40√3 / 12 4 16 हो गया बेटा, है 12 4 16 हो गया। अच्छा उसको 4 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटे कैपिटल जी 40√3 / 4³, 4 चौक 16 चौके 64, 64, 4 से 16 यहाँ क्या बचा 10, 10 बचा, 2 से 8, 2 से 5, तो जी इंटू 5√3, और सिंप्लीफाई करना है पूरा सिंप्लीफाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा कैपिटल जी का क्या था 6.67 × 10^-11 इंटू 5√3/8, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, आगे इसको भी रख दो 1.73, है ना, पूरा सिंप्लीफाई करोगे आएगा आंसर, अंडरस्टूड, कर लोगे सिंप्लीफिकेशन, कि वो भी मुझसे ही करवाओगे। इसको मिटा दूं बेटे, इसमें भी कुछ दिक्कत है बोलने में, हाँ सर मिटा लो, गजब हो तुम लोग यार। चलो बोलो, हाँ क्या लिए, किसमें मास डिस्ट्रीब्यूट, मास 20 20 है ना, तो 20 होगा,
उसने गलती किया है तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड समझ में आ रहा है ना, है दिख रहा है कि गलती किया है तो फिर क्या ही सोचना है उसके बारे में। अंडरस्टूड, क्लियर है ना? ओके आगे बोलो, और कोई डाउट है बोलो बच्चे। हाँ किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? आगे बढ़ जाऊं मैं, बोलो। तुम लोग सॉल्व करते हो ना भाई, है? फिर भी कुछ डाउट नहीं आता, है? इतने होशियार हो, गजब, अच्छी बात है ये तो। फिर चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मान लो यहां पर एक मास हो कैपिटल एम, ठीक है, यहां पर एक मास हो कैपिटल एम, और आप इधर चले आओ इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत दूर, ठीक है, इन्फिनिटी से अगर आप कोई 1 kg मास को, ठीक है, 1 kg मास को ले करके इसके पास आ जाओ किसी पॉइंट पर, पी पर, जो इससे कितनी दूर हो, आर दूर हो, ठीक है, तो उसको वहां से उठा करके यहां तक लाने में सपोज आपको वर्क करना पड़ा, कितना बेटा, डब्ल्यू, कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, आई क्या बात समझ में? तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा ना, क्या करने में, 1 kg मास को उठा करके लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से, कहां लाया, इसके फील्ड में लाया, इसके कारण फील्ड होगा ना यहां पे, उसके फील्ड में आपने उठा के लाया, आ रही बात समझ में? तो उसमें जितना वर्क डन होगा, ठीक है, 1 kg मास को लाने में, उसी को अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द गिवन फील्ड। दिए हुए फील्ड के किसी पॉइंट तक 1 kg मास को इन्फिनिटी से उठा करके लाने में जितना वर्क डन लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ गए क्या? उस पॉइंट का, अलग अलग पॉइंट का अपना अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, बिकॉज कि अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे तो अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं, आ रही बात समझ में? चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट मास, टू ब्रिंग अ यूनिट मास from infinity to a given point in the field is called gravitational potential of that point। समझ गए इतनी बात? ओके बोलो बच्चे। अब इधर देखो, सपोज बच्चे कि इस समय है ना, आर पॉइंट पर जब है
है ना, आर आर पॉइंट पे जब है तो आपने कितना लाया बेटा, 1 kg लाया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस समय इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा ये सोचो। तो एफ बराबर जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर, समझ गए। और इसके कारण मान लो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डी आर। तो याद करो तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भैया, जी एम बाय आर स्क्वेयर डी आर। कहाँ से बोला बेटा मैंने, इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट तक, ये कितना है आर है, समझ गए, इन्फिनिटी से आर तक में। तो बताओ कैपिटल जी एम है ना, इंटीग्रेशन, ये चीजें कांस्टेंट थी ना, बाहर कर लिया मैंने, इंटीग्रेशन किसका करूंगा, 1/r² का करूंगा, इन्फिनिटी से आर तक करूंगा। बता दो मुझे कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना, ये टोटल इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, है ना। तो टोटल वर्क डन जो आया वो कितना आया, जी कैपिटल एम बताओ इसका -1/r, कहाँ से कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी से आर तक। बता दो ये माइनस जी एम बाहर ले लिया, 1/r इन्फिनिटी से आर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम 1/r -1/∞। 1/∞ क्या होता है बेटा, जीरो। क्या फॉर्मूला आया देखो, माइनस जी एम बाय आर, यही वर्क डन था। और मैंने क्या बोला, इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, नहीं किसको, क्योंकि ये क्या है, 1 kg को लाने में था ना, कितने कितने मास को लाने में था, ऑलरेडी हमने 1 kg पकड़ा था, है ना, ऑलरेडी हमने 1 kg पकड़ा था। तो हमारा जो डेफिनेशन आया कि इन्फिनिटी से उठा करके किसी चीज को एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो वो हमने निकाल लिया, और उसी वर्क डन को हमने क्या बोला, पोटेंशियल बोला। सो पोटेंशियल इक्वल टू क्या आया, है ना, दैट इज वी इक्वल टू, या फिर अभी रहने दो, अभी यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा आपने उसके नीचे हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, अपन इसको V से शो करेंगे बेटा। और हमने क्या बोला, V बराबर क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास, यूनिट मास लाए थे ना, हम इसको W बाय M बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास। नहीं समझा, कहाँ से कहाँ तक लाने में ये वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, है ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो लगा, ठीक है। अगर मैं इसके एस आई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा बेटा, एस आई यूनिट क्या होगा बताओ, वर्क डन का क्या, जूल, और इसका क्या, केजी, क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर केजी, एस आई यूनिट क्या हुआ, जूल पर केजी। इसका ये जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो इस वर्क डन का क्या बेटा, वर्क डन का क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और मास का एम 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 कैंसिल, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई, कुछ दिक्कत है तो बोलो, अच्छे से समझा। नोटेड, आगे बढ़ो। अब यहां पर नीचे में ये डालना, हेडिंग डालना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास।
हुआ क्या, क्या हेडिंग डालोगे ये सब लिखने के बाद? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, और फिर ये वाला प्रूफ लिख लोगे यहाँ तक, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका, पॉइंट मास की वजह से माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। डन। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, ये तो किसकी वजह से निकला? एक सिंगल पॉइंट मास की वजह से निकला, मल्टीपल रहा तो, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस, कई सारे मासेस हुए तो क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस, क्या करोगे बच्चे, बोलो बोलो। हाँ, ये चूंकि स्केलर है ना, ये क्या है, स्केलर है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, है ना? कैसा, अलजेब्रिकली, वेक्टर होता है तो वो वेक्टरली ऐड होता है, स्केलर तो अलजेब्रिकली ऐड होते हैं, समझ गए कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस, इसमें अपने को क्या करना है? तो मान लो ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, कई सारे मासेस हैं, m1 है, m2 है, m3 है एंड सो ऑन, ठीक है? इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से r1 है, r2 है, r3 है एंड सो ऑन। तो पहले वाले की वजह से क्या होगा भाई, वी वन कितना, माइनस जी एम वन बाय आर वन, दूसरे की वजह से माइनस जी एम टू बाय आर टू, सॉरी आर टू, तीसरे की वजह से, अरे कुछ खुद भी बोल लिया करो तुम लोग, क्या चल रहा है, ये भी नहीं बोल सकते क्या तुम लोग, बोलो क्या, तुम लोग एकदम से मुंह में रसगुल्ला दबा के बैठे रहते हो ऐसा लगता है, गुटखा खाते हो क्या तुम लोग, मुंह से आवाज नहीं निकलती, अजीब हालत है, बोल बोल के थक गया हूं दो हफ्ते से, ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 एंड शो ऑन, ठीक है? तो क्या हो रहा है देखो, माइनस जी एम वन बाई आर वन, माइनस जी एम टू बाई आर टू, माइनस जी एम थ्री बाई आर थ्री एंड शो ऑन, ऐसा जुड़ता चला जाएगा, आ गया टोटल पोटेंशियल, समझ गए? डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, रिंग की वजह से अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, क्या करूं बताओ,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो एक रिंग बना लिया हमने, और ये मान लो एक्सिस हो गया, रेडियस आर हो गया, एक्सिस एक्स हो गया, टोटल मास मान लो कैपिटल एम है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, वी इक्वल टू क्या। तो क्या करेंगे, तो जैसा पहले किया करते थे, हर चीज़ में तो एक ही चीज़ करना होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर है, ठीक है, ये डॉटेड पार्ट जो है वो अंदर है। तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, एक रिंग एलिमेंट काट लिया, उसका मास हमने मान लिया डीएम, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, है ना, ये दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर मान लिया। बताओ क्या फॉर्मूला है, एलिमेंट मतलब क्या होता है, पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से अभी देखा था कितना होता है, बताओ, माइनस जी डी एम बाय आर, है ना, ये क्या हो गया डी वी, छोटा सा पोटेंशियल आया, है ना, बोलो। तो अब मुझे अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बताओ, इंटीग्रेट करूँगा, तो ये मुझे क्या दे देगा, टोटल पोटेंशियल दे देगा, माइनस जी कॉन्स्टेंट है, आर बदल रहा है कि सेम रह रहा है, आर कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, आर कॉन्स्टेंट है, उसको भी बाहर ले लूँ, इंटीग्रेशन किसका करूंगा, डीएम का, क्या मतलब हुआ इंटीग्रेशन डीएम का, अरे बोलो, इंटीग्रेशन डीएम मतलब क्या, कौन सा एम, क्या बोल रहा है, बार बार तो एक ही चीज कर रहा हूँ, है ना, कल भी किया था, परसों भी किया था, कैपिटल एम, ये टोटल मास हो जाएगा, है ना, सारे मास को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, सारे स्मॉल स्मॉल मासेस को ऐड करेंगे इस पूरे रिंग पर, टोटल मास आएगा कि नहीं, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। अब ये आर है क्या, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर पोटेंशियल जो आया माइनस सी कैपिटल एम अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए, या तो स्लैंट लेंथ, ये इसको आप क्या कह सकते हो, स्लैंट लेंथ बोल सकते हो, समझ गए, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, एक हॉलो सेल, मतलब क्या होता है भाई, हॉलो स्फेयर, है ना, हॉलो स्फेयर बना लिया हमने, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर और मास मान लो कैपिटल एम। तो याद करो, इसमें हमेशा क्या होता है, तीन केसेस संभव है ना, केस वन क्या हो जाए, आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाए, आउटसाइड यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, याद करो, मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको सिमेट्रिक बॉडी हो और बाहर का कोई पॉइंट हो तो आप इसको क्या मान सकते हो, इसके सेंटर ऑफ मास पर उसके टोटल मास को पॉइंट मास मान सकते हो, तो इस टोटल मास को कहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, कहाँ पे निकालना है, यहाँ कहीं निकालना है स्मॉल आर पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट मास की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम अपॉन आर,
इट्स सो सिंपल, ठीक है। केस वन, केस टू, केस टू कहाँ पर? एट सरफेस, सरफेस पर क्या हो गया? आर बराबर आर हो गया, ठीक है। तो आर बराबर आर रख लोगे, देयरफॉर बी सरफेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, ओके। माइनस जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर, ये सरफेस पर हो गया। और केस थ्री, इनसाइड इनसाइड स्फेयर, मतलब क्या हो गया? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड स्फेयर में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर जो v होता है, v इनसाइड, वो बराबर होता है v सरफेस के। v सरफेस देखो कितना आया था, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। क्या समझा, क्या समझा? जो सरफेस पर होता है वही अंदर के हर एक पॉइंट पर होता है। पूछो ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि कल के दिन में हमने देखा था कि जो एक स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेयर है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था? जीरो था। फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क डन भी, वर्क डन नहीं होगा। मतलब एक बार हम सरफेस पे ले आए ना, तो सरफेस से अंदर ले जाने के लिए हमको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्क डन हम पोटेंशियल हमने क्या बोला? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू कोई पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी से हमको यहीं तक लाने में काम करना पड़ेगा ना, अंदर तो फील्ड ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है, अंदर ले जाने के लिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो यहाँ का होगा वही अंदर का होगा। किसी भी पॉइंट पर इधर अंदर में चले जाऊँ क्या होगा? मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मेरा पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। तो जो सरफेस पे है वही अंदर के हर एक पॉइंट पर होगा, नहीं समझाना? तो इसलिए मैंने लिखा इनसाइड किसके बराबर होता है? सरफेस के बराबर होता है। सरफेस निकाल लिया तो वही अंदर के किसी भी पॉइंट पर का होगा, याद रहेगा? अच्छे से समझा, ओके, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ठीक है, माइनस जी एम बाय आर। आगे बढ़ूं, अगर इस चीज का ग्राफ बनाने बोले तो बेटा, इसका ग्राफ बनाने बोले तो क्या करोगे? तो देखो, अगर मुझसे बोला जाए कि V और R के बीच में ग्राफ बनाओ, इधर V ले लिया, इधर R ले लिया, V यानी पोटेंशियल, ठीक है। तो आप क्या देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या हुआ? जीरो, R जीरो मतलब सेंटर। तो सेंटर पर क्या था? सेंटर से लेकर के रेडियस तक क्या है? कौन सा? सरफेस के बराबर वाला, ठीक है। तो R बराबर कैपिटल R तक आपका क्या है? कॉन्स्टेंट रह रहा है। कितना बेटा? माइनस जी एम बाय आर। और उसके बाद क्या लगेगा? नीचे क्यों बनाया समझ आया ना, माइनस है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद बाहर चले जाऊंगा, आर से ऊपर चले जाऊंगा तो ये वाला लगेगा, नहीं उधर जैसे जैसे जाऊंगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये क्या होगा बेटा? घटेगा, ठीक है। तो ये क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। और इन्फिनिटी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? इन्फिनिटी पर आर इन्फिनिटी रखो, क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छे से समझाना, क्या कर्व क्यों आए? स्ट्रेट लाइन बेटा सिर्फ तभी होता है, आपको ग्राफ मैंने पढ़ाया है ना, स्ट्रेट लाइन कब? जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हाँ, स्ट्रेट लाइन कभी होता है? जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ओके, है ना। अच्छे से समझाना, इनवर्स के लिए हाइपर बोला ना, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के लिए क्या बताया था? हाइपर बोला, है ना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ग्राफ भी पूछा जाता है बेटा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालू मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। नेक्स्ट हेडिंग इस बार अपन क्या ले लेंगे? सॉलिड स्फेयर ले लेंगे, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर।
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड मतलब समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो बेटा, पूरे पूरे में मास है, है ना, पूरे में मास है, ये सॉलिड स्फीयर हो गया। मास मान लो बेटा कैपिटल एम, रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। इसमें भी क्या होगा बेटा, तीन केसेस होंगे, बोलो। केस वन कौन सा, आउटसाइड स्फीयर के लिए, आउटसाइड स्फीयर के लिए बोलो क्या होगा। तो मैंने बोला है इसमें अपने को क्या मानना है, इसको पॉइंट मास ही मानना है, आर पे गए पॉइंट पी पर, तो क्या आएगा वी बराबर, कोई दिक्कत है इसमें, अच्छे से समझा। दूसरा क्या होगा बेटा, सरफेस पर, ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, आर बराबर क्या रख लोगे, कैपिटल आर रख लोगे। तीसरे में समझना है आपको क्या, इनसाइड स्फीयर के लिए चलेगा, किसके लिए समझना है, इनसाइड स्फीयर के लिए, आर लेस देन आर के लिए। तो चलो बच्चे ध्यान से समझेंगे, ओके। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया मैंने, हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा आर हो गया, नहीं समझ आ रहा है ना, तो एक ये वाला हो गया, एक स्फीयर ये वाला हो गया और एक स्फीयर ये वाला हो गया, अच्छे से समझा, एक स्फीयर ये वाला हो गया और एक स्फीयर ये वाला हो गया, नहीं समझ आ रहा है ना, और मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसको इन दोनों को सेपरेट सेपरेट सोच रहा हूँ, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो मास के भी दो टुकड़े हो गए, गोले के मैंने दो टुकड़े किए ना, तो मास के भी दो टुकड़े हो गए, बोलो, अंदर का मास कुछ और होगा, बाहर का मास कुछ और होगा, चलो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसको करना है, बाकी चीजें मिटा दूं मैं, तीसरा कर रहे हैं ना, तो ये वाला हेडिंग डालना, चलो। तो एक बात बताओ, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लैम्डा सिग्मा की रो, रो है, समझ रहे हो, रो है, तो बताओ रो की वैल्यू बता सकते हो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास इज कैपिटल एम, टोटल वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, समझ गए बेटा। अब ये जो अंदर वाला गोला है उसका मास मैं बोल देता हूँ एम डैश, तो एम डैश कितना हो जाएगा बेटा, रो इंटू वी, तो रो कितना आया आपके पास, कैपिटल एम बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू वॉल्यूम इसका कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई है ना, कैंसिल हुआ, कैपिटल एम आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इतना हुआ उसका, है ना। कहाँ निकालना है बेटा, इस पॉइंट पे ना, ये जो अंदर वाला गोला है सॉलिड वाला, सॉलिड वाले के लिए ये कौन सा पॉइंट हुआ, सरफेस हुआ, सरफेस पे क्या होता है, वी वन इक्वल्स टू मान लो, इसके कारण जो पोटेंशियल आया उसको मैंने वी वन बोला, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी इसका मास कितना है एम डैश अपॉन डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, आया ना समझ में, तो माइनस जी बाई स्मॉल आर और एम डैश के बदले इसको रखो कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, एक आर कट जाएगा बेटा, माइनस जी कैपिटल एम आर स्क्वेयर बाय आर क्यूब, है ना, ये किसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, ओके, माइनस जी एम आर स्क्वेयर बाय आर क्यूब। अब ये जो आउटर वाला स्फीयर है उसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा,
तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मान लो, घबराना नहीं हाँ, मान लो मैं x पे गया बेटा और x पे जाकर के dx मोटा एक सेल काट लिया। क्या काटा मैंने, dx मोटा एक सेल काटा। आ रहा है क्या समझ में, बोलो हाँ। सेल की वजह से तो मुझे पता है ना, सेल की वजह से मुझे क्या पता है कि जितना इस सेल पर होगा उतना ही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा। ये उसके अंदर का ही पॉइंट हुआ ना, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल का मास निकालना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ डीएम, क्या बोलता हूँ डीएम। कैसे निकालूंगा डीएम बताओ, यहां पर क्या अवेलेबल है मेरे पास, रो ना, तो डीएम कैसे निकलता था, रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। तो डीवी किसका बेटा, इस चीज का। कैसे निकालोगे इस चीज का डीवी बताओ, क्या करोगे, कितना होगा बताओ डीवी, कैसे निकालोगे। है? अरे ये स्फेयर है बाबा, स्फेयर सेल है ना, स्फेयर का उसका वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कभी भी कैसे निकालते हैं बेटा, एरिया इनटू थिकनेस। वॉल्यूम हमेशा कैसे निकाला जाता है, एरिया इनटू थिकनेस। तो ये जो स्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, अरे स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² ना। तो उसको क्या किया मैंने, उस हॉलो स्फेयर को बाहर किया और उसको काट दिया और फैला दिया, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 4πr² और उसका थिकनेस हमने क्या लिया है dx, तो यानी x r x है, तो 4πx² एरिया हो गया इनटू थिकनेस कितना हो गया dx, यही हो गया वॉल्यूम। नहीं समझा, अच्छे से समझा। तो बेटे ये हो गया रो, देखो हमारे पास है कैपिटल m बाय 4/3πr³ इनटू डीवी, हमारे पास आया 4πx² dx, चलेगा। 4π कैंसिल हुआ, 3 ऊपर गया, 3mx² dx/r³, दिस इज व्हाट डीएम, किसका, सेल का, सेल का। अच्छे से समझा। अब बेटे इसके वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उसको, छोटा सा पोटेंशियल बनेगा डीवी, सेल की वजह से पोटेंशियल क्या होता था बेटा बताओ, माइनस जी डीएम अपॉन आर, सरफेस जो सरफेस पे होगा वही अंदर में होगा, तो सरफेस इसका कितना है एक्स, ठीक है, तो माइनस जी डीएम बाय एक्स ले लूं। आ रहा है समझ में, तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा माइनस जी बाय एक्स डीएम के बदले 3mx² dx/r³ ना, अपॉन आर क्यूब, सही कह रहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, किसी दिन मैं फंस जाऊंगा इसमें। आ रही बात समझ में, क्या आ गया माइनस जी 3mx² dx/r³, एक एक्स क्या हो जाएगा बेटे कट जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, एक एक्स मैंने कट कर दिया, तो बचा क्या माइनस 3gMx dx/r³, ये निकला dv, है ना। टोटल v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग। अब सवाल उठता है कि कहां से कहां तक सोचो, लिमिट क्या लूं बेटा बताओ, यहां तक तो काम हो चुका है, यहां तक का तो हम निकाल चुके हैं, इससे यहां से यहां तक का निकालना है ना, तो पहला सेल कहां बनेगा बेटा, यहां पे, आखिरी सेल कहां बनेगा, यहां पे, पहला सेल स्मॉल r पे, आखिरी सेल कैपिटल r पे, नहीं ना समझा, अच्छे से समझा। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल r से कैपिटल r तक, ठीक है, स्मॉल r से कैपिटल r तक, तो इससे जो मिलेगा है ना वो आउटर वाले का पता चल जाएगा, उसको मैं v2 बोल लेता हूं, तो ये हो गया v2। तो बेटे देखो क्या हो रहा है, माइनस 3gm/r³, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, माइनस 3g कैपिटल m/r³, ये कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिया,
अंदर बचा बेटा x dx तक r से कैपिटल r तक, क्या बचा माइनस 3g कैपिटल m बाय r क्यूब। बोलो 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 बोलो। अरे सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, तुम लोग ना एकदम से थेथर हो, एकदम थेथर समझते हो, आगे भी नहीं बोलेगा देखना, कोई नहीं बोलेगा है ना, नहीं ना बोलोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू, कुछ दिक्कत है। तो ये हो गया बेटा माइनस थ्री जी एम बाय टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया बाहर वाले की वजह से। तो हमने पूरा निकाल लिया, जो ये बोला था और जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट था, दोनों की वजह से निकाल लिया। अब मुझे टोटल निकालना है तो क्या करूंगा, है ना, इसको और उसको ऐड कर लूंगा, कर लूँ ऐड। देयरफॉर टोटल v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, देखो ऐड करके कितना आता है। तो v1 हमारे पास कितना था सर, माइनस g कैपिटल m r स्क्वायर बाय r क्यूब, और यहाँ से आया माइनस 3 कैपिटल g कैपिटल m 2r क्यूब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक, इधर मिटाऊं क्या मैं, इस तरफ इधर हुआ है नोटेड डाउन। क्या आया, इधर मिटाऊं बेटे, इधर हुआ पक्का, क्या कॉमन दिख रहा है वहां पे, माइनस जी एम बाय आर क्यूब तो कॉमन दिख रहा है पक्का पक्का, है ना। तो मैंने कॉमन ले लिया, भी बराबर माइनस जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा बेटे आर स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या बचा थ्री बाई टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो सही कर रहा हूँ मैं, तो माइनस जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस 3/2 आर स्क्वायर माइनस 3/2 स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ बोलो भाई, तो क्या हुआ, इधर मिटाऊ ना, बोलो तो ये हो जाएगा बेटा सिंप्लीफाई हो करके v बराबर माइनस जी कैपिटल m बाय आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर माइनस 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, टू कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी इन साइड पॉइंट। ठीक है, इन साइड पॉइंट पर थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आया, माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, कुछ दिक्कत है, समझा क्या। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा बताओ इसके सेंटर पर कितना होगा, क्या बोलोगे सेंटर पर कितना होगा बताओ,
हाउ मच एट द सेंटर? 0 आया. आस्था, हाँ आर 0 रखो ना, तो इसमें सोचना क्या है, फिजिक्स में सोचना क्या है भाई, सब चीज सामने, आर 0 रखा, देखो क्या बचा, यही 0 हुआ ना सिर्फ, तो फिर क्या बच गया, ये आर स्क्वायर से ये आर क्या हो गया, कट हो गया, क्या बचा 3gm बाई 2r माइनस 3gm बाई 2r. तो नीचे ऐसा स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस एट द सेंटर, यानी r इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, स्पेशल केस करो एट द सेंटर, स्पेशल केस एट सेंटर यानी r इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा भाई. तो क्या बचा, v सेंटर माइनस g कैपिटल m बाय 2r क्यूब, और इधर रह गया क्या 3r स्क्वायर, r स्क्वायर से r बचा, तो माइनस 3gm बाय 2r. दिस इज v सेंटर, समझा कि नहीं, 0 आया कहीं से भी, नहीं आया ना, तो हवाई फायरिंग नहीं करने का, एक्सप्रेशन है उसमें रखने का वैल्यू, सब बताएगा वो. इधर मिटाओ बेटे, बोलो एक दिन ना मैं सिर्फ तुम लोगों को हाँ बोलना सिखाऊंगा, और उस दिन पता क्या करूंगा मैं, भरपूर क्वेश्चन पूछूंगा, जिस दिन मेरा मूड सरका ना तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं बोलते हो. तो अगर तुम ऐसी नौबत नहीं चाहते हो तो रिप्लाई किया करो, ओके, अदरवाइज फिर तुम्हें बोलने को मजबूर कर दिया जाएगा. चलो डन, माइनस 3gm बाई 2r. अब अगर इसको ग्राफ बनाने बोलेगा, ठीक है, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, अगर हमें ग्राफ बनाने बोला जाएगा बेटा, वेरिएशन बताने बोला जाएगा v और r के बीच में, तो सोचो कैसा बनेगा. जब r 0 था तो उस समय पोटेंशियल देखो कितना था, माइनस 3gm बाय 2r, है ना, इतना था, ओके, अच्छे से समझ में आ रहे हैं. और जब r बराबर कैपिटल r हुआ, है ना, जब r बराबर कैपिटल r हुआ वहां कितना हो जाता है बेटा, माइनस जी एम बाय आर, है ना, तो ये बड़ा है और वो क्या हुआ, इससे छोटा हुआ, तो वो कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ आएगा, माइनस जी एम बाय आर, उससे ये 0.5 ज्यादा है ना भाई, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, नहीं समझा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, यही होता है ना, ओके. तो ये आर बराबर आर पे यहाँ रहा, पहले कहाँ था बेटा, यहाँ था, आ रही बात समझ में, और फिर इसके बाद r बराबर r के बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ऐसे जा करके इन्फिनिटी होगा, नहीं समझ आ रहे बच्चे, और यहाँ इस दौरान क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, नहीं समझाना बेटे, अच्छे से समझा, तो इसका जो वेरिएशन होता है v और r का वो कुछ इस प्रकार का होता है, ओके, डन डन डन. चलो हाल फिलहाल कल और आज में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म सीखे. कल क्या सीखा था हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड काय से शो किए थे, ई से. आज हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, वी से शो किया. अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस सॉरी रिलेशन पता करना हो, ठीक है, हेडिंग डालो अथर, जाओ फेस वॉश करके आओ, हाँ जाओ, समझ सकता हूँ 3 बजे फिजिक्स पढ़ना है ना,
क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे बढ़ो, आ जाने दो दोनों बच्चे को। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मुझे ये बात बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था, कैसे डिफाइन किए थे? मास, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है बेटा। तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू फील्ड, है ना बेटे? फोर्स इनटू, सॉरी, मास इनटू फील्ड। ये फोर्स किधर लगता है बेटा, जिधर फील्ड होगा, है ना? ये फोर्स किधर लगता है, जिधर फील्ड होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, आ रही बात समझ में? और अभी अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास होता है। ये वर्क डन कौन सा था, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे कितना देर लगा रहा है ये, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो फील्ड, फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इनटू फील्ड, है ना? ये फोर्स किधर लगेगा, जिधर फील्ड होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी तक लाने में और अपॉन मास, पर यूनिट मास, ऐसा हो गया। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर एक सोर्स मास है कैपिटल एम, है ना, उसके कारण किसी पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, सोचो। इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, इसकी ओर होगा, इधर फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये वाला फोर्स भी किधर लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा। ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ठीक है। ये वाला फोर्स जो है वो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ठीक है। तो इस फोर्स, अगर इकलौता ये फोर्स लग रहा हो किसी मास पर, ये मास है, किसी फोर्स, किसी मास पर इकलौता ये फोर्स लग रहा हो, तो इसमें तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मास है ना वो स्लोली इधर जाए। जब मैं स्लोली कहता हूँ ना, इसका मतलब होता है विदाउट एक्सेलरेशन। अब बेटा विदाउट एक्सेलरेशन कोई चीज़ कभी हो सकता है,
जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो रहे। नेट फोर्स जीरो करने के लिए इधर एक फोर्स लग रहा है तो अपोजिट में भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ये तो खुद ये लगा रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं बाहर से लगा रहे हैं ताकि ये भागे ना, स्लोली स्लोली चले, नेट एक्सेलरेशन इसमें नहीं हो। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, अच्छे से समझा। तो बेटे अगर ये फोर्स इधर लग रहा है एफ ई एक्स टी, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर। फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा, वो भी इधर है। फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, है ना। तो ये फोर्स देखो यहां पर कितना है, m इंटू ई वैक्टर है, m इंटू ई वैक्टर है। तो सोचो ये वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस m इंटू ई वैक्टर होगा कि नहीं, माइनस m इंटू ई वैक्टर। अच्छे से समझा क्या बेटे? ओके अच्छा, अब मुझे बताओ सिंस वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू एफ डॉट डी आर होता है कि नहीं, F डॉट डी आर होता है, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो डी डब्ल्यू बराबर फोर्स देखो कितना है, माइनस एम ई वैक्टर डॉट डी आर, एम को इधर ले जाता हूँ बेटा, डी डब्ल्यू बाई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। वर्क डन पर यूनिट मास को ही क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल। डीवी का मतलब क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। डीडब्ल्यू मतलब छोटा सा, डीआर मतलब क्या हो, छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट किया तो छोटा सा वर्क डन हुआ, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले गए, डीआर किए ना डिस्प्लेस किए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए, तो एक यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा, उसमें डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखो डीवी आ गया, है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डीवी बराबर क्या आया देखो, माइनस ई डॉट डी आर। ये डीवी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, और ई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बता दिया यहाँ पे देखो रिलेशन, नहीं समझा, व्हाट इज द रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। नहीं समझाना, आया समझ में? पक्का नोट डाउन कर लो, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, वेर ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डी वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना। यहां पर मान लो एक स्मॉल m1 मास है, ठीक है, या पहले यहां पर कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां से मैं बहुत दूर गया, इंफिनिटी पर। कहां गया? इंफिनिटी पर, ठीक है। और इंफिनिटी पर दो मासेस रखे हुए थे, m1 और m2, ठीक है। इंफिनिटी पर दो मासेस रखे हुए थे, m1 और m2।
उसमें से एक मास m1 को उठा करके लाना है मुझे, ध्यान से सुनना, m1 को उठाया मैंने यहां से और लेकर के चला, मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है करना पड़ेगा, सिर्फ यहां कुछ भी नहीं, कोई मास नहीं, नो मास इज देयर, नो मास इज देयर, वहां से एक m1 को उठा करके ला रहा हूं, काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, यहां तो कोई मास ही नहीं तो फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है तो किसके अगेंस्ट वर्क करूंगा? नहीं समझ आया, अभी कोई मास है क्या, कोई फील्ड है क्या? फील्ड में जाएंगे तब ना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तब ना वर्क डन होगा, समझा कि नहीं समझा? समझा, तो पहला जो मास लाएंगे उसके लिए मुझे कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इतनी बात समझ, ठीक है भैया, एम वन वहां पहुंच गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम टू को लेके जा रहा हूँ। अब जब मैं एम टू लेके जाऊंगा बेटा, अब वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? अब करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मास है, उसके कारण फील्ड है, और फील्ड में जाएंगे तो वर्क डन होगा, समझ गए क्या? अब इस एम टू को उठा करके मुझे लेके जाना है, कहाँ तक, कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, इसके बीच की दूरी है सपोज स्मॉल आर, ठीक है, इसके बीच की दूरी है स्मॉल आर, अच्छे से समझा? तो उस मास को यहां पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना, आप बोलोगे सर ऐसा ही चीज तो आप पीछे भी किए थे, तो ध्यान देना, वहां क्या किए थे, 1 केजी मास को लाए थे, यहां मैं क्या बात कर रहा हूं, इंटायर मास, टोटल मास, कोई भी एक पूरा मास ला रहा हूं, वहां पर क्या ला रहा था, एक यूनिट मास ला रहा था, ठीक है? तो अगर आप यूनिट मास को इंफिनिटी से उठा करके किसी फील्ड में लाते हो तो उसको क्या कहें हम लोग, पोटेंशियल बोले, और अगर आप टोटल मास उठा करके किसी फील्ड में लेके आए तो जो वर्क डन लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो इस बार मैं क्या डिफाइन करूंगा इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एनी गिवन फील्ड, समझ गए? उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, चलो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द गिवन फील्ड, टू अ पॉइंट इन द गिवन फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बेटे? अब एक चीज देखो, तो मान लो इस समय कितना है, आर है इसके बीच का डिस्टेंस, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा जल्दी बोलो, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके कारण मान लो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर, है ना, कितना वर्क डन हुआ होगा सोचो, डी डब्ल्यू एफ डॉट एफ डी आर, फोर्स कितना बेटा, जी एम वन एम टू वन बाय आर स्क्वायर डी आर, है ना? फॉर्मूला डेफिनेशन में हमने क्या बोला, वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, है ना, इन्फिनिटी से चला और यहां तक लाके रखा हमने, आई बात समझ में? तो ये बात रही है, समझा कि नहीं? ठीक है, तो बताओ बेटे क्या हो जाएगा, जी एम वन एम टू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करूंगा मैं, वन बाय आर स्क्वायर डी आर का इन्फिनिटी से आर तक, बता दो बच्चे, ये इधर टोटल वर्क डन हो जाएगा इसका, डब्ल्यू बराबर जी एम वन एम टू, क्या हो जाएगा बेटा इसका, माइनस वन बाय आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, माइनस भी बाहर ले लिया, जी एम वन एम टू वन बाय आर इन्फिनिटी से आर, बोलाओ बताओ क्या हुआ, 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, सम्पला
माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। दिस इज टोटल वर्क डन। और इसी को मैंने क्या बोला बेटे आपको, इसी को क्या बोला, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करा, तो यू बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। अच्छे से समझा, कुछ दिक्कत है? शाबाश। तो क्या समझ में आया बेटा, दो मासेस के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, कितना, जी इंटू एम वन एम टू बाय आर माइनस में। समझ गए? ओके, आगे बढ़ूं। तो बेटे हमने देखा दो मासेस के बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो ऐसे निकाल लूंगा, अगर दो से अधिक हुआ तो फिर क्या करूंगा, जैसे कि आपको बोलेगा बेटा, एग्जांपल बोलेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक के लेंथ एल है, ये इसके हर एक वर्टाइसेस पर एम एम और एम रखना है, ठीक है, तो कितना वर्क, कितना एनर्जी लगेगा या कितना वर्क डन लगेगा, है ना, ऐसा बोलेगा, तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, तो हमको पता है ना, हर एक पेयर के बीच में, इसके इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, इसके इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, और इसके इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं समझा, तो जितने पेयर बनेंगे ना सारे पेयर को काउंट कर लेना, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन एल, इसके बीच में भी वही, इसके बीच में भी वही, तो कितने टाइम्स हो गए बेटा, थ्री टाइम्स हो गया, समझा, अगर मान लो स्क्वायर होता यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो एक पेयर इसके बीच में बनता बेटा, एक पेयर इसके बीच में, एक पेयर इसके बीच में, एक पेयर इसके बीच में, और भी बनता, और भी बनता, इसके बीच में भी तो बनता, इसके बीच में भी बनता, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, सिक्स नहीं होंगे, ये चार इक्वल है, ये थोड़ी इक्वल है, नहीं समझा, तो कैलकुलेट करेंगे उसको, है ना, यहाँ पर आर कितना है, डायमीटर के बराबर, डायगोनल के बराबर है, यहाँ पे आर कितना है, डायगोनल के बराबर है, नहीं समझा, अच्छे से समझा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बुक दो बच्चे, बुक दो, ए गुड़िया बुक दो, चलो निकालो, सबको अपना अपना बुक निकालो, ओपन करो, जो बुक नहीं लेके आए हैं उनके लिए मेरे पास आरती की थाली है, फूलों की माला है, क्या चाहिए बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है कोई, तुम है ना, कहाँ पहुँचे, फटाफट बना डालो, जितना बना पाते हो बना डालो, पहला क्वेश्चन देखो सब कोई, ठीक है, पहला क्वेश्चन किसका आया, फर्स्ट क्वेश्चन
थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड एल ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर। तो ये क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया है ना, और पोजीशन क्या है बेटा उसका, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो मैंने बोला है ऐसे केस में क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो डायरेक्ट बन गया। ये अभी आगे होगा आपका, सेकंड छोड़ दो, तीसरा देखो। हाँ तीसरा बोलो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। थर्ड बोलो जल्दी फटाक से, है ना, क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर में, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्फीयर, नहीं क्या होता है फॉर्मूला, है ना, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। तो ये बाकी चीजें क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज इनसाइड द स्फीयर एंड डिक्रीजेज आउटसाइड द स्फीयर, है ना, पहले ऐसे बढ़ता था और फिर घटता था, देखा था ना हमने ग्राफ। नेक्स्ट देखो, इसमें ए मास एम इज प्लेस इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, बताओ इसका समझा ना, क्योंकि अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड ही क्या होता है, जीरो, फील्ड ही जीरो है तो फोर्स कौन लगाएगा, नहीं समझा, अच्छे से समझा। नेक्स्ट फिफ्थ तो हो ही गया बेटा, सिक्स्थ बोलो, सिक्स्थ डायरेक्ट है ना, किसका ग्राफ पूछा है, फील्ड का आर के साथ, किसके लिए, सेल के लिए, तो सेल में अंदर में क्या होता है बेटा, जीरो होता है, और सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, और बाहर क्या होता है, घटते चला जाता है, कौन सा हो गया, डी फॉर डॉग, है ना, सीधा हमने ये ग्राफ करा है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, सेवन नंबर, कंसीडर थ्री कॉन्सेंट्रिक सेल्स ऑफ मास m1, m2 एंड m3 हैविंग रेडियाई ए बी एंड सी, क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, बताओ P पर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ m1 और m2 की वजह से होगा, m3 की वजह से नहीं होगा, m1 और m2 के लिए क्या हुआ, आउटसाइड पॉइंट हुआ, समझा कि नहीं, और आउटसाइड पॉइंट के लिए हम उनको क्या मान लेते हैं, सेंटर पर मान लेते हैं, दोनों का सेंटर एक ही जगह है, है ना, तो m1 plus m2 वहां चला जाएगा, बोलो हुआ कि नहीं, तो क्या हो गया बेटा, g m1 plus m2 upon r square, r इस समय कितना है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, उसका कितना है ये, हाँ x ही देना है ना, x, ठीक है, तो g into m1 plus m2 upon x square हो जाएगा, कहाँ पे, p पर, और q, q क्या हो गया बेटा, तीनों के आउटसाइड हो गया, तो वहां क्या हो जाएगा, तीनों मास आ जाएंगे, है ना, तो m1 plus m2 plus m3 by y का स्क्वायर, ये कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन बन गया, ओरली हो जा रहा है हमसे, है ना बच्चे। एट्थ नंबर बोलो बच्चे, एट्थ जल्दी बोलो, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड कैपिटल m आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू देम इज जीरो, चलो फटाफट बनाओ इसको, एट्थ नंबर जो बनाएगा उसके लिए ये सिक्के वाला सवाल, चलो देखता हूँ कितना सिक्का है, सिक्के वाला सवाल जो सबसे पहले बनाएगा, दो रुपए का सवाल, चलो फटाफट बनाओ, लो एट्थ नंबर, इसको जो बना डाला ₹2, ये देखो बेटा तुम्हारा रुमाल, फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास, वैसे 5 मिनट है आपके पास, चलो फटाफट बताओ, बाजू वाली क्लास में भी किसी से बनता है तो आ सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बनाना भैया, किसी ने अगर चीटिंग की ₹2 के लिए अपनी ईमान नहीं बेचना है, है ना, जल्दी करो फटाफट करो, अरे डीसी पांडे डेली लाना है, मैं कितनी बार बोलूं तुम लोगों को, क्या करती है आस्था, पढ़ने में मन नहीं लगता तुम्हारा, है आज ही भूल गई, ओके नेक्स्ट टाइम ध्यान रख, ये ले लो ना, लॉकर ले लो, लॉक लगा के जाए करो, है ये लॉकर आपके लिए ही है, ए आया, आओ इधर आओ,
बुक लेके आओ, समझाओ मुझे कैसे आया। तो क्या रोटेशन पढ़े तो स्केलर रहता है ना, तो दोनों को डायरेक्ट अलजेब्रिक ले ऐड कर देंगे। क्या 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 इसका इधर होगा माइनस जी एम बाई डी। कंसेप्ट ठीक है, मैं ही समझा तू क्वेश्चन, जाके अच्छे से पढ़ो। ओके का लॉजिक बताओ। दो बच्चे बुक दो। अच्छा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ नहीं सकते ध्यान से, क्या बोलता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m, एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास कैपिटल m है, और उनके बीच की दूरी d है, उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। बोलता है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पोजीशन, क्या पता करो, पोटेंशियल पता करो उस पोजीशन पर वेयर द फील्ड इज जीरो, जहां पर फील्ड जीरो है वहां पर पोटेंशियल पता करो। तो पहले तो ये पता करो कि कहां फील्ड जीरो है, क्या फील्ड जीरो निकालना नहीं सिखाया मैंने आप लोगों को दोनों के बीच में? तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर फील्ड जीरो है, यहां से आर हुआ तो ये डी माइनस आर हुआ, पता चलेगा कि नहीं यहां पर फील्ड, कि इसके वजह से कितना हुआ जी एम बाय आर स्क्वायर, उसके वजह से क्या हुआ जी कैपिटल एम बाय डी माइनस आर का स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में? अच्छे से समझा तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, कैपिटल जी गया स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एम बाय डी माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर बुलाया डी माइनस आर बाय आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। तो डी माइनस आर बाय आर इक्वल्स टू क्या हो गया रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। अरे समझा कि नहीं समझा? ओके तो यहाँ से मुझे आर मिलेगा बेटे, है आर और डी मिल जाएगा मुझे, बोलो आर और डी मिल जाएगा। आर कितना हुआ तो एक हो गया बेटा डी बाय आर, और एक हो गया माइनस वन इक्वल्स टू रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। तो डी बाय आर बराबर क्या हो गया बेटे वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम।
है ना। तो आर बराबर क्या हो गया, डी अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, दिस इज आर, है ना। तो डी माइनस आर कितना हुआ, तो डी माइनस आर हुआ डी माइनस डी अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। नहीं समझ आ रहा है ना आपको बिल्कुल भी, तो डी कॉमन हो गया वन माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, और सिंप्लीफाई करेंगे डी वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, ये और ये संपला हो गया। डी क्या बचा बेटे, रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। नहीं समझा, बोलो। तो अब क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, पोजीशन मिल गया ना हमको, दोनों तरफ से डिस्टेंस भी मिल गया है, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसके वजह से वहां पे पोटेंशियल कितना, वी वन माइनस जी एम बाय आर, तो माइनस जी एम बाय आर कितना आया है देखो तुम। अरे यार बोलो, आर कितना आया है, डी अपॉन वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय डी, नहीं ये जी एम बाय, अच्छा ये है ना, हाँ तो ये वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम ऊपर चला जाएगा अपॉन डी। नहीं समझा, ये हो गया वी वन तुम्हारा। वी टू कितना हो जाएगा बेटे, उधर से देखो माइनस जी कैपिटल एम बाय डी माइनस आर, और डी माइनस आर देखो कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है डी रूट अंडर कैपिटल रूट एम बाय स्मॉल एम, और ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, है ना। दोनों पोटेंशियल मिल गया, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम वी वन प्लस वी टू है। वी वन कितना है बेटे, माइनस जी स्मॉल एम बाय डी वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, और माइनस जी कैपिटल एम बाय डी रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। इधर मिटाऊं क्या है, नोट किया है इधर, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या था, कहाँ गया ये ना, वन प्लस रूट अंडर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। आगे बात समझ में, क्या कॉमन लेते हुए बन रहा है, देखो क्या कॉमन हो रहा है, ये पूरा टर्म कॉमन हो जा रहा है ना। v बराबर माइनस जी बाय डी वन प्लस रूट अंडर कैपिटल m बाय स्मॉल m, ये पूरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा है, स्मॉल m, यहाँ बचा स्मॉल m, यहाँ क्या बचा, ये लिया मैंने, ये लिया मैंने, और ये लिया, क्या बचा बेटा, m अपॉन बोलो माइनस, कहाँ प्लस ना, माइनस ले चुका हूँ ना, प्लस कैपिटल m अपॉन रूट कैपिटल m बाय स्मॉल m, समझा क्या अच्छे से। तो ये हो गया माइनस जी बाय डी वन प्लस रूट अंडर कैपिटल m बाय स्मॉल m, और ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस इसको m अपॉन रूट अंडर स्मॉल m बाय कैपिटल m लिखो चलेगा। नहीं समझा, समझा क्या, ये क्या किया मैंने, ये रूट m ऊपर चला जाएगा ना, ये रूट m ऊपर चला जाएगा, और ये इस m को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा, एक m कट जाएगा बेटा, आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा अपना माइनस जी बाई डी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अच्छा चलो अभी रहने दो ऐसे, रूट अंडर कैपिटल m बाई स्मॉल m, m प्लस है ना, इधर क्या हो गया रूट अंडर m प्लस सॉरी m इंटू कैपिटल m, समझा ना, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट m का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, है ना,
और माइनस जी बाई डी, इसको मैं रूट एम प्लस रूट कैपिटल एम अपॉन रूट एम लिखूं चलेगा? समझते हो पक्का ना? अपॉन यहां देखो तो रूट एम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, रूट एम कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बचा एक रूट एम और यहां क्या बचा, रूट कैपिटल एम। नहीं समझा? ओके, ये रूट एम और ये रूट एम कैंसिल हो गया, और ये रूट एम प्लस रूट एम और ये रूट एम प्लस रूट एम क्या हो गया, माइनस जी बाई डी रूट एम प्लस रूट कैपिटल एम का स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? माइनस जी बाई डी रूट एम प्लस रूट एम का होल स्क्वायर। आया क्या समझ में आपको? एक बार और ट्राई करना घर पे, नहीं आया तो मेरे को दोबारा बोलना, मैं दोबारा समझा दूँ। सॉरी। अंडरस्टूड? क्लियर?